हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 5 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे हम लोग कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, आज है 30th ऑफ मार्च, तो आज के कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। आज दोस्तों लास्ट डे है जब आपको यूपीएससी के अंदर 20% तो ऑफ और 3 मंथ का एक्सटेंशन मिल रहा है। तो आप रेफरल कोड BHU10 या फिर BHU10 यूज़ करके पूरा बेनिफिट है जो कि उठा सकते हैं। यूपीएससी के अंदर आपको नियर बाय 50,000 का बेनिफिट है जो कि आपको मिल रहा है, और ये लास्ट डे है आज आज। तो रेफरल कोड लगा के बेनिफिट उठा लीजिएगा। सारे टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं, पिछली बार बहुत अच्छे रिजल्ट भी थे। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालने हैं, फिर यहाँ पे गोल सेलेक्ट करना है अपना। यहाँ पे गोल रखना है आपको यूपीएससी का, प्लस पे जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन पे 12 या 24 मंथ पे, और आप यहाँ पे BHU10 लगा सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर आप जॉब करते हैं तो स्माइल फॉर ऑल सोसाइटी .org की वेबसाइट पे जाके एक बच्चे के एजुकेशन हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन से कर सकते हैं 500 रुपये पर मंथ में। आज का पहला सवाल जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने कल आपको दिया था, सैफ अंडर 18 वुमेन चैंपियनशिप के बारे में मैंने आपसे पूछा था कि किसने इस टूर्नामेंट को जीता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया। ओके, तो इंडिया आपका सही जवाब है। आज का पहला सवाल है, तेजस प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तेजस प्रोग्राम, ट्रेनिंग फॉर इमिरेट्स जॉब एंड स्किल, तो ये किसके द्वारा? ये आपके अनुराग ठाकुर के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। समझ गए मेरी बात? तो केंद्रीय मंत्री है दोस्तों अनुराग ठाकुर, तो इन्होंने तेजस अमीरात नौकरी और कौशल के लिए परीक्षण प्रोग्राम लॉन्च किया है। कुल मिला के इस प्रोजेक्ट में क्या होगा कि ट्रेन किया जाएगा उन लोगों को जो कि बाहर जाके जॉब कर सके, स्किलिंग कर सके, सर्टिफिकेशन मिलेगा उनको। ठीक है, चलिए, यूएई में काम करने में उनको मदद मिलेगी। यूएई में आप सभी को मालूम ही है कि 1 करोड़ लोग हैं, तो उसमें से 30 लाख तो भारतीय लोग हैं, यानी कि 30% पॉपुलेशन में इंडियन लोग हैं। 10,000 वर्कफोर्स है जो कि यहाँ पे तैयार करी जा रही है वहाँ पे काम करने को लेकर। अगला सवाल, विच वन द फॉलोइंग लॉन्च्ड एन न्यू इनिशिएटिव संडे स्ट्रीट मैराथन फॉर द लोकल्स ऑफ द सिटी टू गेट ए फ्री स्क्रैच रन ऑन द स्ट्रीट्स। संडे स्ट्रीट मैराथन किसके द्वारा कौन से शहर में आयोजित करवाई गई? मुंबई के अंदर। तो मुंबई पुलिस आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिनके द्वारा मैराथन ऑर्गेनाइज करवाई गई और पूरा मैनेजमेंट इनके द्वारा ही किया गया। महाराष्ट्र की बात करें, 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, 48 विधानसभा, राज्यसभा 19 सीटें हैं। नेशनल पार्क में चांदोली, गुरुमल, नवेगांव, पंच, संजय गांधी, तड़ोपा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। डैम में कोयना डैम हो गया, जायकवाड़ी डैम हो गया, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हु इंटीग्रेटेड इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC को लेकर आपको बताना है कि किसने इनॉग्रेट किया। आंसर हो जाएगा आपका अमित शाह। तो अमित शाह ने इनॉग्रेट किया इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, जहां पे 2,000 CCTV कैमरा है जो कि इंस्टॉल करे गए। ओके, चलिए, और यहाँ पे इनॉग्रेशन सेरेमनी के अंदर जो अभी क्या हुआ है, नई ऑफिस बिल्डिंग में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की बनाई गई है। कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि वो चित्रकला गैलरीज को कितने स्पॉट पे स्टैब्लिश करेंगे, बताइए। आंसर हो जाएगा आपका 6। 6 जगह ऐसे स्पॉट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जहाँ पे चित्रकला गैलरी के स्पॉट हैं जो कि बनाए जाएंगे, है ना। 19 एडिशन जो हुआ था भी चित्र सत्य 2022, इसी के तहत ये काम है जो कि किया जा रहा है। ये एक आर्ट है जो कि काफ़ी फेमस है। कर्नाटका के 31 डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा, 12 राज्यसभा की सीटें, बांदीपुर, बनरघाट, कुद्रमुख, राजीव गांधी नागरौली, सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। डैम में अलमाटी, कृष्णा राजा सागर डैम, तुंगभद्रा डैम। ओके, जीआई टैग के अंदर टॉयज है, मैसूर की सैंडल सोप है, मैसूर की जैस्मिन, ये सारे ज़रूरी हैं। कौन सी पहली डायरेक्ट फ्लाइट गोरखपुर और कौन सी सिटी के बीच में चलाई गई है? फर्स्ट डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन गोरखपुर, तो अगर आप यूपी का कोई एग्जाम दे रहे हैं ना, तो उधर के लिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सही है, काफ़ी एग्जाम में सवाल आ सकता है, क्योंकि वाराणसी और गोरखपुर के अंदर जो है वो पहली बार डायरेक्ट फ्लाइट है जो कि चलाई गई है। काफ़ी टाइम से इसकी डिमांड है जो कि चल रही थी। फाइनली स्पाइस जेट ने 5 साल के बाद में उड़ान स्कीम के तहत इसको लॉन्च किया है। ठीक है,
चलिए आप देख सकते हैं कई जगह पे स्पाइस जेट को चलाया गया उत्तर प्रदेश में। कौन सी कंट्री ने होल्ड किया, विथ विच कंट्री इंडिया होल्ड द फिफ्थ मीटिंग ऑफ ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन फिशरीज वर्चुअल मोड के द्वारा। फिफ्थ मीटिंग जो है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की फिशरीज के ऊपर करी है, और हमने किसके साथ में, श्रीलंका के साथ में करी है वर्चुअल मोड के ऊपर, समझ गए। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, और चलिए, डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है टेस्ट फ्लाइट फॉर इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, विथ विच कंट्री डिड इंडिया डेवलप इट। कौन से देश के साथ में इंडिया ने इसको डेवलप किया है, कौन सी है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि हमने रशिया के साथ में बिल्डअप करी है। ओके गाइज, तो MSRAM है जो कि हम इसको कहते हैं, तो उनके द्वारा करी गई, रडार, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, अदर व्हीकल, सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इस MRSAM आर्मी वेपन सिस्टम के अंदर। इसराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसको बनाई गई है। इसके अलावा सरफेस टू सरफेस गाइडेड मिसाइल भी है प्रलय, है ना, और सेंट नाम का स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल भी है पोखरण रेंज के अंदर। स्मार्ट है सुपरसोनिक मिसाइल, असिस्टेंट टॉर्पोडो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम आपको ध्यान रखना है। किस देश ने राजधानी शहर में एक अन्य परेड के साथ 77वें सशस्त्र बल दिवस को चिन्हित किया। 77 आर्म्ड फोर्सेस डे के बारे में आपको बताना है, मिलिट्री परेड है जो कि अभी रिसेंटली करी गई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है गाइस, तो म्यांमार की आर्मी ने 77वें अपने आर्म्ड फोर्स के दिवस के ऊपर कैपिटल जो है नेपिदो है वहां पर इसका आयोजन है जो कि करवाया है। ओके, करंट लीडर कौन है, मिन एंग है जो कि करंट में यहाँ पे लीडर है। कायड यहाँ पे करेंसी है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। आदि बाजार एक सेलिब्रेशन है जहाँ पे तमिल ट्राइबल कल्चर और क्यूजिन देखने को मिलते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसको करवाया गया है। आदि बाजार के बारे में बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका केवेदिया, बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आदि बाजार एक सेलिब्रेशन है स्पिरिट ऑफ कल्चर, ट्राइबल कल्चर, क्यूजिन, ये सब देखने की नर्मदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात के अंदर 11 दिन का दोस्तों ये फेस्टिवल है। ट्राइफेड, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर, इन सबके द्वारा मिलकर है जो कि इसको करवाया जा रहा है। ठीक है गाइज, चलिए, एशियाटिक लायन आपको मालूम ही है, यहाँ पे स्टेट एनिमल है, बर्ड है फ्लैमिंगो। किसने थाईलैंड के बुसानन के अंदर स्विस ओपन 2022 का फाइनल टूर्नामेंट है जो कि जीता है। आंसर हो जाएगा आपका PV सिंधु। PV सिंधु ने दोस्तों ये टूर्नामेंट है जो कि अभी रिसेंटली जीता है। साइना नेहवाल नहीं आएगा, PV सिंधु आएगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, वुमेन वर्ल्ड 7 PV सिंधु ने डिफीट किया थाईलैंड की बुसैनन को दोस्तों, और काफ़ी बड़ी प्लेयर है ये भी, इनको हरा के ये टूर्नामेंट है जो कि जीता। 2011 के अंदर दोस्तों सानिया नेहवाल ने जरूर जीता था, तो अभी 2022 के बारे में बात हो रही है। चलिए, इसके अलावा तो कुछ खास नहीं है। कलिंगा स्टेडियम में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, पैरा नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 20th। ठीक है, तो 20th नेशनल पैरा एथलीट चैंपियनशिप जो है वो कलिंगा स्टेडियम में करवाई जाएगी, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। काफ़ी सारे प्लेयर हैं, अपने देवेंद्र जाजड़िया जी और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, शरद कुमार, सुंदर सिंह गुर्जर, जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। चलिए, IPL 2022 के उद्घाटन मैच से पहले BCCI ने मार्च 2022 में किसे सम्मानित किया, तो अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है दोस्तों किसको, लवलीना को, तो बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। BCCI के द्वारा ही ये ऑनर है जो कि लवलीना को किया गया है। इसके अलावा नीरज चोपड़ा है, उनको भी दिए गए मेडल, मनप्रीत सिंह को भी दिए गए हैं, पंजाब से जो भी है उन सबको, मतलब BCCI ने IPL से पहले कुछ एक प्लेयर्स को, लवलीना हो गई और भी कई लोगों को यहाँ पे अवार्ड है जो कि दिए हैं, मनप्रीत सिंह है, बाकी सब है। ठीक है, सौरव गांगुली अभी प्रेजेंट है, मुंबई हेडक्वार्टर है, 1928 में इसकी शुरुआत है जो कि हुई थी। किसने अपॉइंट किया चेयरमैन और इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को एज ए बोर्ड ऑफ द कल्याण ज्वेलर्स, कल्याण ज्वेलर्स की बोन। ठीक है, कल्याण ज्वेलर्स की जो आज के टाइम पे सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है वो उसकी टॉप लीडरशिप मानी जाती है, जो उसकी बोन मानी जाती है ना, बैकबोन मानी जाती है। तो अभी के टाइम पे क्या है दोस्तों की जो चेयरमैन है ना वो कल्याण ज्वेलर ने विनोद राय जी को बना दिया, ये एक्स कैग कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है जो कि हुआ करते थे, तो इनको चेयरमैन और नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन है जो कि यहाँ पे दी गई है, समझ गए। चलिए, इसके अलावा जयंती घोष सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस के द्वारा अपॉइंट करी गई, और बाकी तो कुछ खास इसमें नहीं है।
अगला सवाल है, कौन से सीएम है जो कि गोवा के दूसरी बार बने हैं? तो यहाँ पे आपको मालूम है प्रमोद जी है, लेकिन कौन सी जगह पे ये मीटिंग करी गई, ये सेरेमनी करी गई? ये गोवा के अंदर करी गई है, सिंपल सी बात है, चीफ मिनिस्टर गोवा की बात हो रही है तो। ओके चलिए, तो ये स्टेडियम है यहाँ पे श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, तो वहाँ पर इसको आयोजित करवाया गया है। 40 सीटें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, 2 लोकसभा 1 राज्यसभा, बहुत ही कम जानवर है। ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, रेफरल कोड लगाइएगा BHU10, आपको 20% ऑफ और 3 महीने का एक्सटेंशन है जो कि अनअकैडमी के ऊपर मिलेगा प्रिपरेशन करने पे। सारे टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आपको ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद में गोल सेलेक्ट करना है, जो भी आपका एग्ज़ाम का गोल है यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल UPSC SSC है, PCS है ना यहाँ पे, और उसके बाद में प्लस पे चलिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे, और यहाँ पे 12 या 24 मंथ पे, इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। SSC के अंदर मेरा फाउंडेशन बैच चल ही रहा है, एक बच्चे की एजुकेशन आप स्माइल फॉर सोसाइटी .org की वेबसाइट पे जाके दे सकते हो। और क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों लक्ष्मी नारायण स्वामी, है ना, तो यादाद्री टेम्पल कॉम्प्लेक्स को वापस से रेनोवेट किया जा रहा है, तो कौन इनॉग्रेट करेगा ये आपको बताना है, आंसर आपको कल देखकर दोस्तों। तो ये था आज का आपका सेशन, लाइक और शेयर जरूर करेगा, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।